ऊपर कबूतर देखने के लिए, उसके बच्चे कितने बड़े हो गए होंगे देखते हैं चल के। अरे वाह, तो काफी बड़े हो गए अब तो। लेकिन कैसे काले काले से है, अजीब से ही। कैसे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं देखिए। अभी तो बहुत टाइम लगेगा उड़ने में। मम्मा कहाँ गई है? छोटे छोटे बेबीज की मम्मा कहाँ गई है? मम्मा, तुम्हारी मम्मा पापा ने बहुत गंदा कर दिया यहाँ पे पॉटी कर कर के। है, उड़ोगे तुम? उड़ जाओगे? उठना है? मैं तो हाथ लगाने से भी डर लगता है मुझे तो। मन भी हो रहा है छूने का और डर जैसा भी लग रहा है, क्या करूँ, छूं कि नहीं। इच्छा हो रही है मेरी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। क्या करूँ, खुद से छू जाओ, खुद से छू जाओ। हैं, मैं तुमसे प्यार करने आई हूँ और तुम मेरे को अटैक कर रहे हो। बहुत खराब हो तुम तो। छूलो छूलो, थोड़ा सा टच करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। कैसी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन होगी इनकी। बहुत सॉफ्ट है। हाँ, डर लग रहा है। बापरे बापरे। ओ मना कर रहे, नहीं जूना। चलिए, बहुत प्यारे दोनों, बहुत सुंदर है। एक का मुंह उस तरफ को, एक का मुंह इस तरफ को। चलिए अभी चलते हैं नीचे और काम करते हैं। ये सोच रही हूँ अभी कि जल्दी से बड़े हो जाए और उड़ जाए यहाँ से। फिर थोड़ी साफ सफाई कर देंगे क्योंकि थोड़ी अभी ना स्मेल भी आनी शुरू हो गई है। बस यहाँ का मैंने ये बेडशीट वगैरह क्लीन कर दिया तो पैर को मैं यहाँ पे आके आराम करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। अच्छा लगता है ये रूम में ना, है ना। यहाँ से ये विंडो खोल दो और बालकनी भी खोल दो, थोड़ा सा कबूतर के बच्चों के साथ मस्ती हो जाती है, खेल खेल लेती हूँ। ये देखिए, ये वाली बालकनी बहुत अच्छी लगती है यहाँ से ना, हवा भी बहुत आती है यहाँ से। सामने केले का पेड़ भी है इस तरफ और अच्छा लगता है यहाँ पे आके। दोपहर को थोड़ी देर थोड़ा चेंज भी हो जाता है और थोड़ा सा कबूतर के बच्चों के साथ खेल भी लेती हूँ। अब बस मैं इसके बाद शावर लेने जाऊँगी और ऊपर के दोनों रूम की मैंने सफाई कर दी है। अभी आंटी आएंगी तो वो पोछा लगा देंगी। बेडशीट वगैरह क्लीन कर दिया यहाँ की भी। ये देखिए, ये भी पूरी अच्छे से क्लीन कर दिया। ये वाला रूम भी काफ़ी बड़ा है वैसे, और इधर ना जैसे कुछ अलमारी या कुछ स्टोर रूम टाइप यहाँ पे बना सकते हो आप, बहुत अच्छा है। इस तरफ भी दूसरे वाले रूम में भी स्टोर रूम जैसा बहुत अच्छा है। ये वाला स्पेस तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर वैसे खुद का घर हो तो मंदिर बना लो। और यहाँ पर भी देखिए काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये देखिए, उसके आगे जाके वॉशरूम है वहाँ पे इधर। तो यहाँ पे अपनी अलमारी, स्टोर रूम, जो भी अपना सामान रखना है वो रख सकते हैं। और जो बाहर है ना सीढ़ियों के एकदम सामने, मैंने दिखाया आपको ये वाला स्पेस, तो ये जो है ना, यहाँ पे आप मंदिर बना लो या कुछ और डेकोरेट करो, बहुत अच्छी सिटिंग, मतलब आप अरेंजमेंट बना सकते हो। इधर से सीढ़ियाँ आती हैं ये ऊपर को, ये नीचे को जाती है इधर से। ये वाला बेडरूम भी काफ़ी अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना मतलब बैक साइड का एरिया है ये वाला, तो यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ बहुत आती है। ये देखिए इस तरफ से, तो इस वाले रूम में इतना इतना मन नहीं लगता है जो दूसरे वाले बेडरूम में लगता है, वो सब बहुत अच्छा लगता है। चलिए, नीचे वाले बेडरूम की भी मैंने क्लीनिंग कर दी है और अभी बस मैं शावर लेके आती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। आज ना बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी बुरी हालत है ना।
और ये मेरा मंदिर। अभी शावर लूँगी, इसके बाद फिर दिया बाती करूँगी यहाँ पे आके। ये वाला पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा और डेकोरेट करूँ, लेकिन बस हिम्मत ही नहीं होती है। अंदर वाला बेडरूम भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने अभी ना कल मैंने इसकी बेडशीट चेंज करी थी, मैंने आपको बताया था ना, उस वाली का ये पूरा प्रिंट जो है वो निकल जा रहा है। इसका नहीं निकल रहा है, लेकिन उसका निकल गया। वो उभरा हुआ था ना, तो बहुत गंदा लग रहा था। इसकी बिल्कुल भी नहीं निकली है, कहीं कहीं से भी नहीं निकला है। उसका कहीं कहीं से निकल रहा था, इतना गंदा लग रहा है ना देखने में जैसे। और वो मतलब रफ़ जैसी हो गई है, सोते हैं तो वो एक तो कपड़ों के साथ लगता है और दूसरा इतना रफ़ हो गया। और ये बेडशीट मेरी इतनी अच्छी मैच हो जाती है ना इसके साथ। और यहाँ पर मैंने वाइट पिल्लो रख दिया पीछे बड़े वाले, आगे जो छोटे जो हम डेली लेते हैं वो वाले बेडशीट के साथ के। तो ये वाली बेडशीट इसके साथ बहुत, ये वाला जो मतलब ओढ़ने वाली चद्दर है ना, ये बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं उस दिन बोल रही थी हस्बैंड को यहाँ पे थोड़ा दूसरा कलर करवाते हैं, पता नहीं देखते हैं होता है। मैं प्लानिंग है तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है मेरे से कुछ भी। तो चलिए अभी मैं ले लेती हूँ शावर और फिर उसके बाद मिलते हैं। बाकी के काम बहुत सारे हैं आज भी, बहुत सारे हैं। कल मुझे मेहंदी लगानी थी लेकिन नहीं लगा पाई, बहुत ज़्यादा चक्कर चक्कर आ रहे थे सुबह। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, आज तीसरा दिन है दवाई का ना, तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह में तो बहुत सारे चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे उस तरह घूम रहा था। और रात को भी मैं उठी पानी पीने तो भी बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, उठा नहीं जा रहा था। लेकिन आज थोड़ा अच्छा है, एक टैबलेट दी है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रही हूँ मैं। चलिए बस ऐसा बोलना नहीं है। और अभी कर लेते हैं लंच की तैयारी। तो लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ टिंडे की सब्ज़ी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई है हमारे घर में, बहुत ज़्यादा बनती है। और वैसे भी आजकल ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा टिंडे टिंडे चल रहा है, कुछ गाना है, वही देख के मुझे आज याद आ गया कि हमारे घर पर भी टिंडे बन रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं झटपट से ये सब्ज़ी, जो कि काफ़ी हेल्दी होती है और कहते हैं कि निरोगी सब्ज़ी होती है, मतलब इसमें कोई भी रोग नहीं होता है, मतलब बहुत हेल्दी होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही पौष्टिक तत्व होते हैं इसके अंदर, तो ज़रूर खानी चाहिए। और आजकल तो टिंडे ना बहुत अच्छे आ रहे हैं। बस मैंने देखी इस तरह से टमाटर को मोटा मोटा करके चॉप कर लिया है और टिंडे काट के मैंने साइड में कर लिए हैं। अब मैं ले लेती हूँ एक प्याज और बस इसको, और साथ में लहसुन ले लूँगी, अदरक और हरी मिर्ची ये सब भी मैं इसमें काट के डालने वाली हूँ। इसी से हमारी सब्ज़ी जो है थोड़ी अच्छी टेस्टी बनती है। और देखिए मैंने यहाँ पे प्याज को भी धो लिया है, इससे ना आंखों में लगता नहीं है, प्याज इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। और अब मैं लहसुन को भी धो लूँगी, उससे भी ना उसकी जो हाथों में स्मेल आती है वो नहीं आती है धोने से, और बहुत आसानी से लहसुन का छिलका भी निकल जाता है। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ चौंक की तैयारी और उसके बाद फटाफट से लगाते हैं चौंक। और साथ में बनाऊँगी रोटी और थोड़ा सा रायता बनाने वाली हूँ। तो सब्जी में चौंक लग चुका है और बस इसमें मैं पानी नहीं लगाने वाली हूँ, उसको ऐसे ही मैं फटाफट से दो विसल लगवाऊंगी इसमें। और मसाले भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं डायरेक्टली, मैंने सब कुछ डाल दिया था इसके अंदर। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है इसको, क्योंकि टिंडे वैसे ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो उनको ज़्यादा पका के ना उनका पौष्टिक तत्व जो ख़त्म हो जाते हैं। तो बस इनको मैंने हल्का सा मतलब फ्राई किया है और मैंने एक टमाटर ऊपर से काट के और ऐड कर दिया है इसमें। बस अब इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर नेचुरली वैसे बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो आज मैंने लास्ट में डिसाइड किया, पहले मैं सोच रही थी कि इनको उबाल के ना फिर इनका रस निकाल के, वैसे अच्छा बनता है उस तरह से रस निकाल के फिर उसको छौंक लगा दो पुदीना वगैरह डाल के, लेकिन इनमें रस नहीं है बिल्कुल भी, बहुत हार्ड है। तो मैंने सोचा कि इनको ऐसे ही काट के ना
इसके अंदर जैसे नमक मिर्च डाल के छौंक लगा देती हूँ, प्याज डाल के, जैसे मैं हर बार बनाती हूँ वैसे वाला ही। तो इनको मैंने छील लिया अभी अच्छी तरह से और इसके पीसेस कर देती हूँ फटाफट। और सब्जी मैंने यहाँ पे डाल दी है बनने के लिए, बस इसके बाद रोटी लगानी है मुझे, तो हो जाएगा तब तक मेरा खाना फटाफट। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फटाफट से जो है आम उनको काट लेते हैं और साथ में एक प्याज, अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची, लहसुन नहीं डालूँगी अदरक डालूँगी इसमें, तो बस इन सबको मैं काट के अच्छे से लंबा लंबा करके रख लूँगी और फटाफट इनका कढ़ाई में लगा देती हैं छौंक। ये देखिए मैंने पहले यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया था, उसमें प्याज और आम को डाल दिया था और उसके बाद उसके ऊपर से मसाले डाल दिए, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला थोड़ा सा डाला इसमें मैंने गरम मसाला, ताकि डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से ये जो है पच जाए। और ऊपर से डालूँगी इसमें थोड़ा सा गुड़ और अजवाइन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खाते टाइम भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।